हाँ दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं राज यादव, समाजवादी छात्र सभा के नेता हैं, और जिस तरीके से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र राजनीति भी करते हैं, जिस तरीके से लगातार ये लोग मांग भी कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कुछ दिन पहले किए, लेकिन अब धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। विभिन्न महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कार्यक्रम भी थे। ये बताइए राजी, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, उसके बाद से बहुत सारी बातें भी आई, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ से ये दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, वर्तमान की जो सरकार है वो छात्र विरोधी सरकार है, और यह छात्र कभी नहीं चाहती है कि छात्र युवाओं का नेतृत्व करें, आगे बढ़ें, क्योंकि जब युवाओं का नेतृत्व करके आगे बढ़ता है तो सरकार से मजबूती से सवाल करता है। वह सरकार से यह सवाल नहीं करता है कि कितने दारू और मुर्गे बांटे जाएंगे, वह सरकार से यह सवाल करता है कि हमारे समाज में कितने पढ़े और लिखे लोग होंगे और उनके पढ़ाई और दवाई के लिए हम क्या क्या इंतजाम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक विधायक होता है तो असाक्षर निरक्षर लोगों का प्रतिनिधि भी होता है, मगर एक छात्र प्रतिनिधि जो यहाँ विश्वविद्यालय से चुनकर जाता है वो 100% साक्षर लोगों का प्रतिनिधि होता है। तो ये सरकार की मंशा हमेशा से यह रही है कि पढ़े लिखे लोगों को अगर हम दबाएंगे तभी राज कर पाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब आगे आएंगे तो हमारे जो अंधा कानून है, जो हम अंधविश्वास की को बढ़ावा दे करके शासन में आ रहे हैं, उसका पर्दाफाश होगा और उसका समापन होगा। जिस तरीके से आप ये बहुत सारी बातें बता दी हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच में बहुत सारी खामियां हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, और एक भी ये भी कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण जो है शिक्षण में काफ़ी बाधा पड़ रहा है छात्र संघ चुनाव। देखिए, छात्र संघ चुनाव छात्रों के हित में होता है, और छात्र संघ चुनाव में जो मुद्दा होता है वो छात्रों से जुड़ा ही मुद्दा होता है, चाहे उनके फीस वृद्धि की समस्या हो, चाहे उनके वो पुस्तकालय में किताबों को का न होना समस्या हो, चाहे उनको खेलकूद में असुविधा की समस्या हो, चाहे हॉस्टल की समस्या हो, तमाम प्रकार की, चाहे उनका किसी प्रकार से शोषण हो रहा हो वो समस्याएं हो, तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए छात्र संघ छात्र नेता मजबूती से आवाज़ उठाता है, और विश्वविद्यालय प्रशासन को उनकी बातों को मानना पड़ता है कि ये सही है। और विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों चुनाव कराना चाहेगा, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन एकदम तानाशाह होता है, वह चाहता है कि विश्वविद्यालय में हमारा ही राज चले, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। तो इन सब चीज़ों पर नकाब लगाने के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत आवश्यक होता है और छात्र प्रतिनिधि का होना बहुत आवश्यक होता है। बहुत सारे आरोप भी जैसे विभिन्न कुलपतियों पे, और ख़ासकर हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की हम बात करेंगे, कुलपति पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि RSS से जुड़े हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो राय नहीं है। कुलपति जी RSS के ही विचारधारा पर कार्य करते हैं, और आप विश्वविद्यालय में किसी भी चीज़ों पर नज़र उठा के देख लेंगे तो प्रत्येक महत्वपूर्ण पदों पर RSS के लोग ही बैठे हैं। ये यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की और लगभग पूरे देश में यही है कि RSS संबंधित लोग ही हर जगह यूनिवर्सिटी पर, चाहे वो कुलपति हों, रजिस्ट्रार हों, चीफ प्रैक्टर हों, हर जगह RSS के लोग ही बैठे हैं। आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में एक भी VC पिछड़ी जाति के नहीं हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी करता हूँ कि यह जातिगत अन्याय है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राज यादव को, बहुत सारी बातें बताए हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर, जिला प्रशासन और सरकार किस तरीके से संज्ञान लेती है, छात्र संघ चुनाव कराती है या नहीं कराती है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।